हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये वीडियो लेक्चर है डिप्लोमा फिफ्थ सेम के लिए, जिनका सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेटा डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किसको बोलते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, और एक आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ को हमको ध्यान पे रखना पड़ता है, और जो आपका जो है डिज़ाइन किस तरीके का होता है। तो हम अगर उसमें बात किए थे तो आपका जो डिज़ाइन है दो तरीके होता है, एक हाई लेवल डिज़ाइन जिसको प्रीलिमिनरी डिज़ाइन बोलते हैं, एक डिटेल डिज़ाइन। तो हाई लेवल जो डिज़ाइन है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करता है, रिलेशन को कंट्रोल करता है, और जो जितने भी आपके मॉड्यूल्स है उसके बीच के डेफिनेशन और इंटरफेस को वो कंक्लूड करता है, और जो उसका आउटकम रहता है वो आपका रहता है आइदर एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनेगा या तो फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनेगा। दूसरा आपका जो डिटेल डिज़ाइन है, डिटेल डिज़ाइन क्या रहता है कि डिटेल डिज़ाइन में हम जितने डेटा स्ट्रक्चर हैं, एल्गोरिदम है डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स का, उसको हम डिज़ाइन करते हैं, और उसका जो इस डिटेल डिज़ाइन का आउटकम होता है वो क्या है, मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब आपका कैसे कैसे मॉड्यूल बन रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक गुड गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो गुड डिज़ाइन क्या है, गुड डिज़ाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ द डिज़ाइन इज़ गुड दैन इट इज़ नॉट एक्सिबिट रिपल इफेक्ट, मतलब चेंज इन वन मॉड्यूल डज़ नॉट इफेक्ट द अदर मॉड्यूल, ओके। और वही बैड डिज़ाइन की बात करें तो बैड डिज़ाइन पे रिपल इफेक्ट होने लग जाता है कि एक मॉड्यूल में अगर कोई चेंज करते हैं तो दूसरे मॉड्यूल्स में भी चेंज करना पड़ जाता है। गुड डिज़ाइन सिंपल है, हार्ड डिज़ाइन बैड डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है। सिस्टम जो है आपका सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड विद सम प्लेस इन वन प्लेस, है ना, और बैड डिज़ाइन पे हम अपने सिस्टम को एक्सटेंड नहीं कर सकते। लॉजिक रहता है डेटा जो हम ऑपरेट करते हैं, और गुड डिज़ाइन का जो कॉस्ट है वो लेस रहता है और डुप्लीकेशन नहीं होता है। बैड डिज़ाइन में लॉजिक डुप्लीकेटेड हो जाते हैं, कॉस्टली होता है। तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डिज़ाइन मॉडल, दैट इज़ आर्किटेक्चरल मॉडल, कि एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए हमको कौन से पॉइंट्स को कैसे मैनेज करना है, ओके। तो डिज़ाइन मॉडल क्या बता रहा है, द डिज़ाइन प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट इस्टैब्लिश फाउंडेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ द डिज़ाइन मॉडल दैट एनकैम्पसेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर्किटेक्चर इंटरफेस एंड कंपोनेंट्स। इसका बोलने का ये मतलब है द डिज़ाइन प्रिंसिपल कंसेप्ट द डिज़ाइन प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट इस्टैब्लिश अ फाउंडेशन, एक नींव है कोई भी सॉफ्टवेयर की कि उसका डिज़ाइन किसके बेस पे रहेगा। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर का एक पहले आर्किटेक्चरल व्यू रहता है कि आपका घर कैसे रहेगा, कौन सा चीज़ कहाँ पे रहेगा। तो वही है, एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने से पहले आप उसके मॉड्यूल्स कैसे रहेंगे, उन लोग के बीच में लिंक कैसे करेंगे, कौन सा पार्ट कहाँ पर आएगा, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना रहता है, देखना पड़ता है, जो आपके डेटा को आर्किटेक्चर को सबके बीच के इंटरफेस कैसे होगा कंपोनेंट्स, उस चीज पे फोकस करता है। लाइक द एनालिसिस मॉडल बिफोर इट ईच ऑफ दिस डिजाइन रिप्रेजेंटेशन इज टाइड टू अदर एंड ऑल आर ट्रैक्ड बैक टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। बिफोर एनालिसिस के लिए ये जाए तो डिज़ाइन मॉडल को हम एक दूसरे से टाई अप करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, द डेटा फ्लो डायग्राम, द स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम एंड द डेटा डिक्शनरीज, दीज आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट फेज दैट आर डायरेक्टली मैप्ड ऑन द करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन मॉडल। आपने डेटा बेस पढ़ा है, डेटा बेस में आपने ER डायग्राम पढ़ा होगा कि ER डायग्राम क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम आप सी लैंग्वेज जब पढ़े होंगे या कंप्यूटर फंडामेंटल्स का जब बेसिक है तो डेटा फ्लो डायग्राम होता है, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, यहाँ से यहाँ जाएगा फिर आपका ट्रांजेक्शन ऐसे, तो ये आपका क्या है, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम, डेटा डिक्शनरीज, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले। दीज आर द रिक्वायरमेंट फेज ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, ओके। नेक्स्ट
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक है आपका एनालिसिस मॉडल और दूसरा है आपका डिज़ाइन मॉडल। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि दिस इज़ एनालिसिस मॉडल एंड दिस इज़ द डिज़ाइन मॉडल। अगर एनालिसिस का मॉडल का देखें तो वो एक सर्कुलर पार्ट में बना हुआ है, सबसे अंदर है आपका डेटा डिक्शनरी, देन आपका एक आउटर सर्कल है जो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, एंटिटी रिलेशनशिप, स्टेट ट्रांजेक्शन एंड डेटा फ्लो। एंटिटी रिलेशनशिप जो है वो आपका किस में है, डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम है कंट्रोल स्पेसिफिकेशन के ऊपर, और डेटा फ्लो डायग्राम है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के ऊपर। और आपका ये डिज़ाइन मॉडल पे अगर हम देखें तो डिज़ाइन मॉडल जो है वो इस तरीके से आपके पिरामिड टाइप में है। सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, डेटा को डिज़ाइन करते हैं, देन उसके बाद आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं, देन हम इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डेटा डिज़ाइन। डेटा डिज़ाइन होता क्या है, इट ट्रांसफॉर्म्स द इंफॉर्मेशन डोमेन मॉडल क्रिएटेड ड्यूरिंग एनालिसिस इनटू डेटा स्ट्रक्चर दैट विल रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर। क्या बोलने का मतलब है कि ये क्या करता है, हमारे पास जो डोमेन मॉडल मतलब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको एनालिसिस करता है डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प के थ्रू और इम्प्लीमेंट करता है सॉफ्टवेयर में। द डेटा ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप डिफाइंड इन द ईआर डायग्राम एंड द डिटेल डेटा कंटेंट डिपिक्टेड इन डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड द बेसिक फॉर द डेटा डिज़ाइन एक्टिविटी। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा डिज़ाइन में कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, डेटा डिक्शनरी इन्वॉल्व होती है एंड ईआर रिलेशन डायग्राम आपका जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो उसके थ्रू हम डेटा डिज़ाइन करते हैं, डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड द बेसिक फॉर डेटा डिज़ाइन एक्टिविटी। तो डेटा डिक्शनरी है वो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करती है डेटा डिज़ाइन एक्टिविटी के लिए, और डिटेल्ड डेटा डिज़ाइन अकर्स एट ई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट डिज़ाइन। और डिटेल इसका मैंने अभी ही बताया था कि आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो वो दो पार्ट में आपका डिज़ाइन होता है, एक पार्ट होता है हाई लेवल डिज़ाइन, दूसरा होता है डिटेल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन में हम मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करके प्रोग्राम स्ट्रक्चर का डिज़ाइन को डिफाइन करते हैं, और डिटेल डिज़ाइन में आप डेटा स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो डेटा डिज़ाइन क्या किसका यूज़ कर रहा है, डेटा डिज़ाइन आपका किसका यूज़ कर रहा है, डेटा डिक्शनरी का यूज़ कर रहा है और किसका कर रहा है, ईआर रिलेशनशिप डायग्राम का यूज़ कर रहा है। उससे उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, उससे क्या चीज़ मिल रही है कि जो बेसिक चीज़ है जो आपके डिज़ाइन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी वो डेटा डिक्शनरी से प्रोवाइड हो रहा है, और ईआर रिलेशनशिप से रिलेशनशिप डिफाइंड हो रहा है। ईआर रिलेशनशिप आप डीबीएमएस से पढ़े होंगे, वो क्या डिफाइन करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके रिलेशन है जिसको आप एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के थ्रू पढ़े होंगे कि एक टेबल बना रहे हो रिलेशन, सपोज एक कस्टमर का, तो कौन सा कस्टमर के साथ, कस्टमर आईडी, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर सिटी, तो ये सारे डिटेल्स रहते हैं, कौन कैसे लिंकअप है, आप उसको ईआर डायग्राम के थ्रू रिलेशन बताते हो। तो इस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, अपन ईआर डायग्राम से रिलेशन बेस्ड ईआर डायग्राम हो रहा है, डिटेल कंटेंट मिल रहा है, और डेटा डिक्शनरी से आपको क्या मिल रहा है, डेटा डिज़ाइन एक्टिविटी मिल रहा है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है, इट डिफाइंस जो आपका सेकेंड है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में किसका मेन रोल है, आपका है डेटा फ्लो डायग्राम। किसका मेन रोल है, डेटा फ्लो डायग्राम का मेन रोल है। तो इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, द डिज़ाइन पैटर्न्स दैट कैन बी यूज टू अचीव द रिक्वायरमेंट दैट हैज़ बीन डिफाइंड फॉर द सिस्टम एंड दिस डिज़ाइन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। क्या बोलने का मतलब है कि जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ये क्या डिफाइन कर रहा है, रिलेशनशिप किसके बीच में रिलेशनशिप ये आपका डिफाइन कर रहा है, बिटवीन द मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, जितने भी मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग मॉड्यूल्स में बटे हुए हैं उसके बारे उसका क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है, उसके डिज़ाइनिंग पैटर्न को बता रहा है कि कैसे हम उसको यूज़ करके अचीव कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट को फॉर दैट सिस्टम। ओके, दिस डिज़ाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के लिए एंड इट कैन बी डिराइव फ्रॉम द सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड
सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस मॉडल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सब सिस्टम। ओके, उसके बाद है आपका इंटरफेस, इंटरफेस डिज़ाइन। ये क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स हाउ द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट्स विद इटसेल्फ, हाउ द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट्स विद इटसेल्फ विद सिस्टम दैट इंटर ऑपरेट विद इट एंड विद ह्यूमंस हु यूज़ इट। इंटरफेस मतलब क्या होता है कि एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल के बीच में एक चीज़ को डेवलप करना, मतलब संबंध ठीक करना, दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि वो एक दूसरे के साथ हेल्प हो सके, मॉड्यूल जुड़ सके। तो इंटरफेस डिज़ाइन क्या करता है, कम्युनिकेट करता है विद इन इटसेल्फ। जो सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट है, इट डिस्क्राइब्स हाउ द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद इट्स विद इन इटसेल्फ द विद सिस्टम्स दैट इन कॉप इन इंटर ऑपरेट विद इट एंड विद ह्यूमंस हु यूज इट। एंड इंटरफेस इम्प्लाइज हाउ इम्प्लाइज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर। Therefore, data and control diagram provide for information required for the interface design. तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप सबसे पहले कम्युनिकेशन कैसे सॉफ्टवेयर इटसेल्फ डिज़ाइन करे, मतलब कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे डिस्क्राइब करेगा, और उसके बाद क्या है ह्यूमन उसको यूज़ कैसे करेंगे, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा रहेगा, किस टाइप के बिहेवियर का रहेगा, और जो डेटा है वो कंट्रोल फ्लो डायग्राम प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन के बीच इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन क्या है, इट ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इनटू प्रोसीजरल। स्ट्रक्चर जो रहता है उसको क्या करता है, प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है। तो ये रहता है कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन, और इस पर जो इंफॉर्मेशन है ऑब्टेंड होता है ER डायग्राम के थ्रू, डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू और स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम के थ्रू, सर्व्स द बेसिक फॉर द कंपोनेंट डिज़ाइन। ड्यूरिंग डिज़ाइन वी मेक डिसीजन दैट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द सक्सेस ऑफ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। एज इम्पॉर्टेंट द ईज विद विच सॉफ्टवेयर कैन बी मेंटेन, बट वाई इज डिज़ाइन सो इम्पॉर्टेंट। देखो अभी हमने पढ़ा, ये आपका है एनालिसिस मॉडल और डिज़ाइन मॉडल। एनालिसिस मॉडल के कौन कौन से पार्ट्स आपके डिज़ाइन मॉडल में क्या क्या हेल्प करते हैं, उस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एलोबरेट किए हैं। तो आपने देखा कि डेटा डिज़ाइन पे हम बेसिकली यूज़ किए ER मॉडल और डेटा डिक्शनरी। उसके बाद हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पे गए। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या कर रहा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिज़ाइन पैटर्न्स है, उसको यूज़ करके वो सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। इंटरफेस डिज़ाइन क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में विद इन कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और कंपोनेंट लेवल पे आपके जितने भी ER और जितने भी डेटा फ्लो ये डायग्राम्स है उसके थ्रू क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को प्रोसीजरल डिज़ाइन पर कन्वर्ट कर रहा है। बट एक चीज़ ये पूछते हैं कि क्यों, वाई डिज़ाइन इज सो इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है डिज़ाइन। तो इस चीज़ का हम देखते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कैन बी स्टेटेड विद सिंगल वर्ड, क्वालिटी। ओके, किस चीज़ से ये आपका एक चीज़ पे आ रहा है, दैट इज़ क्वालिटी। तो डिज़ाइन इज़ द प्लेस वेयर क्वालिटी इज़ फॉटर्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्वालिटी को आपको फोकस करना है। डिज़ाइन क्या प्रोवाइड करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर क्वालिटी, है ना। आपका क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है सॉफ्टवेयर का कि क्वालिटी कैसी रहेगी। तो डिज़ाइन इज़ द ओनली वे दैट कैन एक्यूरेटली ट्रांसलेट अ कस्टमर रिक्वायरमेंट इनटू फिनिश सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सिस्टम। तो हम डिज़ाइन को यही बोलते हैं कि वो एक परफेक्ट वे है जो एक कस्टमर रिक्वायरमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं फिनिश्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सिस्टम में। ओके, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एज द फाउंडेशन फॉर ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट एक्टिविटीज़ दैट फॉलो। विदाउट डिज़ाइन हम क्या कर सकते हैं, वी रिस्क बिल्डिंग एन अनस्टेबल सिस्टम वन। हम बिन डिज़ाइन के अपने मन से कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। विद प्रॉपर आपको
डिज़ाइन फेज पे आप प्रॉपर आपका रहेगा कि कौन सा टास्क किसके बाद करना है, कौन सा मॉड्यूल किसके बाद आएगा। आप अगर कुछ भी आगे पीछे करते हैं तो इट विल बी अ लॉस, ओके, विथ फेल चेंजेस हो जाएगा आर मेड, वन दैट मे बी डिफिकल्ट टू टेस्ट, वन हुज क्वालिटी कैन नॉट बी एक्सेस अंटिल लेट इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस व्हेन टाइम इज शॉर्ट एंड मैनी डॉलर्स हैव बिन ऑलरेडी स्पेंट। उस चीज़ में दिक्कत होता है। तो अब ये देखते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटा डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। हमने अभी देखा था आपका जो डिज़ाइन मॉडल है वो चार पार्ट में डिवाइड हुआ है, डेटा डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन एंड कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। अब हम बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं डेटा डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में। तो डेटा डिज़ाइन क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इंफॉर्मेशन डोमेन जो मॉडल से है क्रिएट होता है एनालिसिस फेज में इंटू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, किसमें करता है इंटू डेटा स्ट्रक्चर दैट विल रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर। बट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या करता है, रिलेशनशिप करता है बिटवीन द मेजर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द डिज़ाइन पैटर्न दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है, ये चीज़ है। ये क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है एनालिसिस फेस में इंटू डेटा स्ट्रक्चर पे, बट ये आपका रिलेशनशिप डेवलप करता है अलग अलग जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स हैं कि आपको डिफाइंड सिस्टम के लिए जो यूज़ हो सके। उसके बाद जो डेटा डिज़ाइन है, द डेटा ऑब्जेक्ट और एंटिटीज़ एंड द रिलेशन डिफाइंड इन ईआर डायग्राम एंड द डिटेल डेटा कंटेंट डिपिक्टेड इन डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड द बेसिक फॉर डेटा डिज़ाइन एक्टिविटी। और इसका जो मेन काम है वो क्या है, इट कैन बी डिराइव फ्रॉम द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, द एनालिसिस मॉडल, द इंटरेक्शन ऑफ सब सिस्टम डिफाइंड विद इन द एनालिसिस मॉडल। आई होप आप लोग को ये कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डेटा डिज़ाइन, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इसके बीच में आपको एलोबरेशन पे लिखना है और आपको ये भी बताना है कि व्हाई डेटा डिज़ाइन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, व्हाई डिज़ाइन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।